हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीओए कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और मैं लेके आया हूं ये ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज, जो कि हिस्सा रहा है हमारे लाइव क्लासरूम कोर्सेज का, जिसके बहुत सारे विद्यार्थी सक्सेसफुल हुए हैं बीपीएससी एग्जाम में। तो मैं इस कोर्स के वीडियो को आपसे अब फ्री में ऑनलाइन शेयर करने वाला हूँ इसमें, और मैं आशा करता हूँ कि ये अन्य सभी लोगों को भी हेल्प करेगा जिन्होंने मेरा कोर्स नहीं भी लिया था, आगे आने वाले बीपीएससी एग्जाम्स में और भी एग्जाम्स में जिसमें ज्योग्राफी ऑफ बिहार इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने कमेंट भी रखिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आइए सीखते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। तो अगर सिंपली मैं मैप दिखाऊं आपको जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, तो क्या दिखता है? लार्जली दिखेगा बिहार में सबसे ज्यादा जो ये वाला कैटेगरी है, ठीक है? तो ये जो कैटेगरी आपको दिख रहा है जियोलॉजी में, वो किस तरह का रॉक है? क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है, ठीक है? टर्शरी और क्वाटरनरी। तो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम अगर डोमिनेट कर रहा है बिहार में, इसका मतलब क्या कहना है? सीधे मैप से इंटरप्रेट करते हैं, टेक्स्ट को बाद में देखेंगे। ये क्वाटरनरी रॉक सिस्टम मतलब होगा सबसे रीसेंट फॉर्मेशन होगा। टर्शरी में हिमालयन फॉर्मेशन शुरू होता है और उसके बाद जो प्लेन्स का एवोल्यूशन होता है डी डेन्यूडेशनल प्रोसेस की वजह से, उससे जो प्लेन बना, राइट राइट फ्रॉम तराई रीजन से लेके बांगर और खादर सॉइल्स की जब बात करते हैं, ओल्ड एलुवियम से लेके न्यू एलुवियम, उसमें आपको देखेंगे कि उसका जो बेस है वो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम का ज्यादातर दिखेगा आपको, ठीक है? तो एक तो ये है कि सबसे नया जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। अगर यूएसडीए का सॉइल क्लासिफिकेशन बताओ तो यहाँ क्या होगा? सबसे ज्यादा इंसेप्टी सोल्स होगा और एंटी सोल्स होंगे, याद है ना? यही लिंकेज की बात करता हूं मैं, जब पीछे का भूलना मत कि बिहार में कैसे अप्लाई करोगे उसको। तो थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए आपको कि रॉक सिस्टम अगर पढ़ लेंगे तो सॉइल और मिनरल्स आपको आसान हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कि धारवार के रॉक्स भी है, विंध्यन सिस्टम भी है और क्वाटरनरी टर्शियरी भी है। इसका क्या मतलब? धारवार और विंध्यन सिस्टम जो आप बोलते हैं, ये प्री कैम्ब्रियन रॉक्स हैं, राइट? ओल्डर ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम्स हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम का भी ऑफशूट्स है, ठीक है? तो पुराना जो सिस्टम्स है हमारा, ओल्ड सिस्टम, प्री कैम्ब्रियन सिस्टम, धारवार और विंध्यन सिस्टम, उसका भी आपको यहाँ पे कुछ ट्रेसेस मिलता है, कुछ पोर्शंस है साउथ में स्पेशली। और बाकी नया सिस्टम जो टर्शरी और क्वाटरनरी है वो भी हमें देखने को मिलता है। यानी बिहार में खास करके जियोलॉजी कैसा है? ओल्डेस्ट है और सबसे नया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पुराना सिस्टम का भी कुछ पोर्शन है और सबसे नया सिस्टम का भी कुछ पोर्शन है। ये मिक्स बहुत इंटरेस्टिंग दिखाता है बिहार के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है? ये मैपिंग से ही आप साफ साफ बता सकते हैं, इस तरीके से मैपिंग प्रैक्टिस करके, ठीक है? तो इस मैप को आप थोड़ा आउटलाइन करके इस तरीके से जियोलॉजी का मैप बना के बता सकते हैं। और धारवार सिस्टम के जो रॉक्स हैं, अगर याद करिए, ये मेटालिक मिनरल्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको आर्कीन जो रॉक सिस्टम था, जिसमें क्वार्जाइट, फिलाइट, नीसिक, सिस्टिक, स्लेट, जितने भी ये धारवार ग्रुप के रॉक्स हैं, ये आपको मिलते हैं यहाँ पे। और ये खास करके साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो यहीं पे वो इन्फॉर्मेशन काम आएगा। कहाँ है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, नालंदा। तो ये जो एरियाज है, इन सारे एरियाज में आप देखेंगे जो आपका ये वाला जो सिस्टम है, धारवार सिस्टम ऑफ रॉक्स, ये आपको मिलेगा, राइट? और उसके बाद देखेंगे विंध्यन सिस्टम में, तो विंध्यन सिस्टम सोन रिवर वैली जो है, जहां पे सोन का डिपोजिशन है, उसके आसपास वाला एरिया में आपको बहुत सारा दिखेगा। तो इसमें आप देखेंगे कुछ आपके वोल्केनिक ट्रेसेस भी मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्वार्ज़ाइट, सैंडस्टोन, डोलोमाइट शेल, ये मिलता है। कायमूर सीरीज जो है, ये वाला जो सिस्टम है कायमूर सीरीज, ये आपको विंध्यन है। तो धारवार सिस्टम और विंध्यन सिस्टम आप मैप पे सीधे सीधे देख सकते हैं, और मैप पे देखेंगे तो इसके साथ आपको डिस्ट्रिक्ट भी साफ साफ नजर आ जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो झारखंड से लगते हैं, तो ये वाले डिस्ट्रिक्ट है सारे के सारे, राइट? ये जो एरिया है आपको दिखेगा, और इसमें जो मटेरियल मिलता है ये खास करके लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, बिल्डिंग के लिए। तो बिल्डिंग मटेरियल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से जो चीजें आती हैं। और सोन रिवर से जो चीजें आती हैं, जैसे जो सैंड डिपॉजिट्स लेते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहार में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज किया जाता है उसको, ठीक है? और इसी से रिलेटेड है आपका टर्शरी और क्वाटरनरी जो नया सिस्टम है। टर्शरी रॉक देखेंगे, जैसे आप नाम सुनिए टर्शरी, तो याद रखिए टर्शरी सिस्टम कहाँ मिलेगा? जो तराई बेल्ट होगा, जो हिमालयन रीजन से नीचे वाला शिवालिक से जुड़ा हुआ एरिया होगा, वहां पे आपको थोड़ा सा टर्शरी सिस्टम मिलता है यहाँ पे,
राइट। तो ये हिमालयन तराई रीजन का बिहार का शिवालिक्स का पार्ट होगा, ठीक है। और आप इसको देखिए, रामनगर वाला, सोमेश्वर हिल्स वाला जो एरिया है वेस्ट चंपारण का, इधर पोर्शन में यहाँ के आपको मिलता है ज्यादातर। इसमें बोल्डर, क्ले, स्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, ये वाले चीजें होंगी। और ये रिमेन्स ऑफ टीथियन सेडिमेंट्स जिसको आप बोलते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा सा वेस्टर्न चंपारण में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ बिहार है वो है आपका क्वार्टरनरी सिस्टम, जो कि आप देखेंगे क्वार्टरनरी सिस्टम रफली आपको प्लिस्टोसीन तक आके आपको दिखेगा डिपोजिशंस मिलता हुआ। तो इसमें अलूवियम डोमिनेट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। बाकी सैंडस्टोन, कोर्स ग्रेवल, ये सब होता है, कॉन्ग्लोमरेट होता है, लेकिन मोस्ट डोमिनेटिंग इज अलूवियम। और डेप्थ ऑफ अलूवियम इसका 6,000 मीटर तक है डीप, राइट। और पटना डिस्ट्रिक्ट वाला जो एरिया है खास करके, वहां पे इस वाले एरिया पे सबसे ज्यादा आपको दिखेगा अलूवियम का, राइट। तो बांगर और खादर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओल्ड और न्यू आपको अभी सॉइल जब पढ़ेंगे तो उसमें दिख जाएगा। सो बेसिक आइडिया क्या है कि अगर आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझ गए बिहार का और पीछे के नीचे के डिस्ट्रिक्ट को समझ गए, तो दो चीज क्लियर हो जाएगा। जियोलॉजी किस चीज पे इन्फ्लुएंस डालता है, एक तो सॉयल सिस्टम समझ जाएंगे, दूसरा मिनरल सिस्टम समझ जाएंगे। अलग से सॉयल और मिनरल को पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने जियोलॉजिकली रेफर कर लिया ग्राउंड, इस एरिया में इस तरह का जियोलॉजी है, तो ऑब्वियसली जियोलॉजी से ही आपका डेरिवेटिव निकलता है। किस चीज से? तो डेन्यूडेशनल प्रोसेस से, राइट। तो यू नो कि रिवर कहाँ जा रही है, रिवर वाला कौन सा सेडिमेंट एरिया मेजर है, और रॉक वाला जो मेटालिक मिनरल वाला सेडिमेंट एरिया कौन सा है, तो नॉर्थ से साउथ में आपको क्लियर कट दिख जाता है। अब इसी आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे आप देखेंगे कि हम थोड़ा सा फिजियोग्राफिकल डिविजन को भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन, लैंड यूज, ये बड़ा जरूरी होता है समझना किसी जगह के फिजियोग्राफी को समझने के लिए, यानी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। तो फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कंडीशन दोनों को लेते हुए, यानी एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, राइट, दोनों प्रोसेस को साथ में लेते हुए अगर देखा जाए, तो हमको याद करिए जो हमने बेसिक जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा, एक्सोजेनेटिक जिसमें आता है डेन्यूडेशनल प्रोसेस, जिसमें आता है सरफेस वाला एजेंट और फीचर, तो आपको रिलीफ, नेचुरल फीचर, सॉइल, वेजिटेशन, ये वाला सरफेस वाला। और एंडो में आ गया आपका स्ट्रक्चर जो कि जियोलॉजी से रिलेटेड है, जो भी आपने पढ़ा। इन दोनों फीचर्स को देख के तब हम डिविजन्स बनाते हैं बिहार का, ठीक है। और डिविजन्स जो हमने बनाया, तो हमने स्टैंडर्ड डिविजन क्या बनाया, हमने नहीं बनाया, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो डिविजन्स क्रिएट करते हैं फिजियोग्राफिक यूनिट के, फॉर स्टडी ऑफ फिजियोग्राफी, उसके आधार पे बिहार को आप तीन मेजर जोन्स में बांट सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं फ्लो डायग्राम में, ठीक है। ये तीन मेजर जोन्स हैं। कौन कौन से जोन है फिजियोग्राफिक यूनिट के? शिवालिक रेंज और हिमालयन माउंटेन रेंजेस का एरिया, जो रामनगर, सोमेश्वर, हरहा, ये वाला जो एरिया आपको थोड़ा सा नॉर्दर्न में दिखेगा, आपको नॉर्थ वेस्टर्न में। और बिहार का मेजर चंक आएगा इंडो गैंजेटिक प्लेन। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन में कितना डिविजन और कितना सब डिविजन है, ये आप खाली इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, यानी दिस इज योर मेजर पोर्शन ऑफ द फिजियोग्राफी, राइट। उसके बाद दिखेगा सदर्न नैरो एरिया, प्लेटू वाला एरिया, जिसमें कैमूर, रोहतास, गया, नवादा, राजगीर, मुंगेर, ये वाला रीजन जो हिली रीजन है, आपने जियोलॉजी में भी देखा यहाँ का जियोलॉजी कैसा है, राइट। तो इसमें धारवार और आपका विंध्यन सिस्टम रॉक्स आता है। अब इंडो गैंजेटिक में नॉर्दर्न और सदर्न में डिवाइड कर लेते हैं, गंगा के नॉर्थ वाला प्लेन, गंगा के साउथ वाला प्लेन। तो इसमें फर्दर रीजनल डिवीजन अगर करेंगे तो महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, गंडक, घाघरा, ये देख सकते हैं। रीजनल वेरिएशन करेंगे तो भाबर, बांगर, खादर, चौर, यू नो, ये वाले जो रीजन है ऐसे भी करते हैं। और साउथ गंगा में चंदन, क्यूल, ताल रीजन, सेंट्रल साउथ बिहार, शाहबाद, ये वाला डिवीजन भी करते हैं। तो ये सब रीजनलाइजेशन है, रीजनल वेरिएशन अगर आपको देखना है तो फर्दर ये सब डिविजन्स हैं। अगर आपको ये नहीं भी देखना तो कम से कम नॉर्थ और साउथ, अगर आपको इस स्केल पे कम से कम बिहार को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप सब डिविजन्स को थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, एटलीस्ट वन पैराग्राफ यू शुड नो ऑन द मैप कि ये क्या रीजन है, इसमें क्या मिलता है, बट बेसिक डिविजन तो कम से कम जरूर पता होना चाहिए। गंगा के नॉर्थ में लार्जली क्या है, साउथ में लार्जली किस तरह से डिवाइडेड है, ये आपका फिजियोग्राफिक यूनिट है। तो हम तीनों फिजियोग्राफिक यूनिट को एक एक करके थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका माइनर रीजन है वो है आपका शिवालिक रेंज वाला रीजन, ठीक है। ये जो एरिया है आपका, आपने इसको देखा कि ये क्वार्टरनरी टर्शियरी, तो मेजरली टर्शियरी जियोलॉजी वाला एरिया है आपका,
ठीक है, तो टर्शियरी जियोलॉजी वाला जो एरिया है वो आपको यहां दिखेगा मिलता हुआ, राइट। यहां से जो ये गंडक रिवर आती है नेपाल से, इसके साथ साथ वाला एरिया यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा सेनोजोइक एरा का फॉर्मेशंस है, राइट। और इसमें रामनगर दून की बात करते हैं, सोमेश्वर रेंज की बात करते हैं और हरहा वैली की बात करते हैं। ये तीन एरिया को हम लोग इसमें डालते हैं जो कि कुछ ही पोर्शंस में आपको बिहार में मिलता है, राइट। तो इसमें ब्रोकन हिल्स मिलेगा 6 से 8 किलोमीटर वाइड, राइट। तो इसमें आपको रामनगर दून, जो आपको देहरादून वाला एरिया है, जो कंग्लोमरेट वाला सेटलमेंट है, जो पहला जो जो रिवर फुट हिल्स में जो डिपोजिशन लेके आती है वो वाला डिपोजिशन है यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए सोमेश्वर रेंज वाला जो एरिया है वो टर्शरी फॉर्मेशन है। ये हिल्स नॉर्थ गंगा प्लेन नॉर्थ में है बेसिकली ये वाला एरिया आपका। और इसमें आप देखेंगे फर्दर जो कुछ एरियाज है, जैसे कुछ पासेस भी मिलेगा आपको, कुछ कनाल सिस्टम मिलेगा, सोमेश्वर फोर्ट वाला एरिया है, राइट। ये कुछ हाईएस्ट पीक के ऊपर बना है, भीखना थोड़ी पास है यहाँ पे, उसके ऊपर यहाँ पे एंड होता है। और इसमें आप देखेंगे जो एरिया है ये रेंज करता है नेपाल और इंडिया को, मतलब ये वाला एरिया जहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर हो गया बेसिकली वो वाला एरिया। यहाँ पे बड़े छोटे छोटे और भी स्ट्रीम्स हैं, छोटे छोटे रिवर हैं, तुरी पानी कुड़ी हरा, ये सब जो रिवर है ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है, राइट। सोमेश्वर, भीखना, इस तरह के छोटे छोटे और रिवुलेट्स हैं जो इसमें जुड़ते हैं। तो ये एरिया है फर्दर, हरहा वैली इसी से रिलेटेड है जो रामनगर हिल्स रामनगर रेंजेस में है। तो ये जो एरिया है ये आपको सबसे स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। दिस इज नॉट योर मेजर फिजियोग्राफी ऑफ बिहार। इसका एक पोर्शन यहाँ पे नेपाल के साथ लगा हुआ एरिया से टच करता है, तो फिजियोग्राफिक यूनिट में ये थोड़ा सा माइनर चंक वाला एरिया हुआ। फिर आप देखिए फर्दर, तो आपको इस मैप में भी बहुत चीजें दिख रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बेसिन्स क्लियर कट किए गए हैं, कोसी बेसिन, महानंदा, कर्मनासा, पुनपुन, हरोहर, चंदन। तो ये बेसिन पता होने से क्या होगा, आपको फिजियोग्राफिक यूनिट पढ़ना आसान हो, ठीक है। तो जैसे अब ये रिवर बेसिन है ग्रीन कलर में, यहाँ पे पुनपुन बेसिन है, तो ये रिवर बेसिन जो है आपका इधर वाला एरिया हो गया आपको, राइट। ये पोर्शन आपका फर्दर कर्मनासा सोन वाला एरिया हो गया, राइट। इधर आप देखिए ये मेजर जो एरिया है ये कोसी वाला बेल्ट हो गया, है ना, कोसी के ईस्ट में महानंदा वाला बेल्ट हो जाता है। तो इस तरीके से रिवर बेसिन का जो मैप है वो आप कर सकते हैं और थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे इससे। तो बिहार का जो मेन चंक है इंडो गैंजेटिक प्लेन, ये पूरा नॉर्थ से साउथ में आप देखेंगे, सदर्न लिमिट से नॉर्दर्न लिमिट में आप ढूंढ सकते हैं, और ये बाइफर्केशन जो है गंगा रिवर खुद करती है, राइट। और इसका जो स्लोप है, टोपोग्राफी है, ये दो चीजें बड़ा जरूरी होता है जब जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें। तो बेड तो इसका टिथियन सी से है ही, हिमालयन रीजन से लेके डाउन साउथ छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन के बीच में ये बना हुआ जगह है, तो ये टिथियन बेड है, टिथियन सेडिमेंट्स है यहाँ पे। और इसमें आप देखेंगे गया, राजगीर और खड़गपुर हिल्स जो है ये थोड़ा सा आपको आउटलायर्स कहीं कहीं पे हिलॉक्स दिखेगा। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो थोड़ा सा एक साहब को याद करिए, किसको याद करिए, जब ये बीच में हिलॉक्स याद करते हैं, बीच बीच में माउंट्स हैं, हिल्स हैं, लेकिन बाकी एरिया प्लेन है, तो क्या याद आता है, किसी की याद आती है जियोमॉर्फोलॉजी में, डेविस की, राइट। पेनी प्लेनेशन की याद आती है थोड़ी सी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हिलॉक्स भी हैं और प्लेन एरिया है, वो हिल्स रह गए हैं जो इरोड कभी नहीं हो पाए, ऑफ शूट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट। तो डिविजन प्लेन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, पेनी प्लेनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पे अप्लाइड फॉर्म में दिखता है बिहार में, ठीक है। अब यही बात अगर आप आंसर में कह पाएंगे तो थोड़ा नंबर ज्यादा ला पाएंगे, नहीं तो नॉर्मल तो डिस्क्रिप्शन है ही, ठीक है। व्हाट यू नीड टू ऑलवेज रिलेट इज, जब जियोमॉर्फोलॉजी बोले तो जियोमॉर्फोलॉजी की थियरी की बात करिए, सॉइल की बात करें तो वहां जो पढ़ा उसकी बात करिए। तो इसीलिए हमेशा बोलता हूँ बिहार में भी पढ़िए तो पढ़ तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट रहे ना, तो थोड़ा पीछे का याद करके यहाँ जोड़ने की कोशिश कीजिए जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी आया तो डेविस का नाम ना लिखे ऐसा ना हो सकता है, राइट। तो स्मूथ एरिया है लेकिन बीच बीच में आउटलायर्स हैं, इसको आप या तो मोनेड नॉक्स भी बोल सकते हैं कि इट रिजेंबल्स, ये नहीं लिख देना कि यही मोनेड नॉक्स है, आप लिख सकते हैं कैसे, भाषा क्या होगी, कि इट रिजेंबल्स डेविस थियरीज मोनेड नॉक्स, और आप थोड़ा सा वो डेविस का थियरी को दो लाइन में लिख के कि इसमें जो उसके दिखता है जो प्लेनेशन होता है, पेनी प्लेनेशन वाले एरियाज में जो रह जाते हैं ऑफ शूट्स, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो ये आपको कौन से रीजन में दिख जाता है, गया में, राजगीर में, इधर खड़गपुर हिल्स में आपको थोड़ा सा, ठीक है। और नॉर्दर्न पार्ट जो प्लेन का है वो थोड़ा सा हायर है और सदर्न जो है थोड़ा सा लोअर है, अलूवियल फैंस आपको दिखेगा,
राइट। और सेडिमेंट्स आपको गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा रिवर का सबसे ज्यादा दिखेगा, सबसे ज्यादा सेडिमेंटेशन। और कोसी को सौरा ऑफ बिहार भी बोलते हैं, राइट। इसके मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं जो चेंजेस करती रहते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है इसमें, वो है आपका चौर वाला जो रीजन है। सो ये जो चौर वाला रीजन है, ये बेसिकली डिप्रेशन वाले एरियाज हैं जहां पे ऑक्सबो लेक्स और एबैंडन चैनल्स ऑफ रिवर मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, सहरसा, कटिहार वाले एरिया में आपको ये रीजन भी बहुत फेमस है, ठीक है। इसको आप ऐसा मान लीजिए कि आज के डेट में ये वेटलैंड्स वाले साइट हो गए, ठीक है, जहां पे बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स से लेके मल्टीपल चीजें होती है। तो दिस इज वन फेमस एरिया। और फिर क्योंकि मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं बिहार में, तो ऑब्वियसली इंटरफ्लूव्स, क्या वर्ड है, इंटरफ्लूव्स। इंटरफ्लूव्स का मतलब दो नदी के बीच में जो फ्लूव्स होता है, स्लोप में पढ़ा था पीछे ड्रेनेज बेसिन में, दो, तो दोआब एरिया कहते हैं इसको, ठीक है। तो दोआब का साइंटिफिक वर्ड क्या है, इंटरफ्लूवियल जोन्स, इंटरफ्लूव्स लिखना है इसको, दोआब खाली नहीं मत लिखना, इंटरफ्लूव्स भी लिखना साथ में, कि इंटरफ्लूव्स रीजन जो है बिहार में वो बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत फर्टाइल एरिया में से आता है। तो घाघरा गंडक, गंडक कोसी, कोसी महानंदा, ये सारे जो मेजर मेजर दोआब्स हैं। और इसके अलावा एक और है जो आपका दियरा लैंड है। तो दियरा लैंड क्या है, ये डिपोजिशंस हैं। कौन से डिपोजिशंस हैं, ये हैं आपके जो आपने पढ़ा था पीछे कि जब इरोड करता है तो फिर डिपोजिट भी करता है रिवर, और रिवर जब डिपोजिट करता है तो अपने कैचमेंट एरिया के बीच में ही चैनल्स में बीच बीच में क्या करता है, मिट्टी छोड़ता जाता है। तो ये जो आइलैंड्स बनते हैं छोटे छोटे रिवराइन एलुवियल डिपॉजिट्स, इसको क्या कहा जाता है, दियरा लैंड कहा जाता है, या सिंपली दियरा कहा जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी प्रोमिनेंट फीचर इन आर बिहार, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन जरूर करिए कि ये एरियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मिलता है। साउथ में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्लेटू जो है हमारा, छोटा नागपुर प्लेटू, उसके ऑफशूट्स हैं, राजमहल हिल है, कैमूर प्लेटू है, राइट। ये वाला जो पीछे हमने देखा भी फिजियोग्राफिक डिविजन में, तो इसमें कुछ चीजें बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे हिल्स ऑफ गया है, प्लेन्स ऑफ गया के अंदर राजगीर है, राइट, बराबर गिरी, यहाँ पे शेखपुरा, जमालपुर, खड़गपुर, ये जो है ये थोड़ा हिली रीजन में आता है यहाँ पे। तो इसमें सदर्न जो है आपका डिवीजन, जो तीसरा मेजर डिवीजन है फिजियोग्राफी का, ये जो एरिया है इसको आप डिमार्केट कर सकते हैं कि ये जो सोन रिवर है ये बाइफरकेट करता है ये वाला को, इधर कैमूर हिल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाएंगे तो इधर राजगीर वाला हिल्स ऑफशूट, अब देखो पूरा प्लेन एरिया है, इसके बीच में ये राजगीर ऑफशूट दिख रहा है, ये खड़गपुर हिल्स दिख रहा है, पूरा प्लेन है। इसी को हम बोल रहे थे कि ये जो आप गया प्लेन्स में फर्दर आप देखते हैं ये वाला एरिया जहां पे हिल्स दिखता है, पूरा प्लेन प्लेन प्लेन, लेकिन बीच में कहीं पे एक हिल दिखेगा, एक छोटा सा हिल दिख जाएगा, ये एरिया को ही हम बोल रहे थे कि ये डेविस के पेनी प्लेन से रिजेंबल करता हुआ दिखता है, ठीक है। तो इस चीज को आप इस तरह से देख सकते हैं, राइट। तो वेस्ट मुंगेर और बांका डिस्ट्रिक्ट जो ईस्ट में, तो ये वाला एरिया आप देखेंगे जो आपका ये नैरो बेल्ट है, जो ये वाला बांका डिस्ट्रिक्ट से जो लगा हुआ है, यहां से लेके जो ये पूरा पूरा एरिया है, ये जो एरिया है ये नैरो बेल्ट जो हम बोलते हैं, दिस नैरो बेल्ट, राइट, दिस इज योर बेसिकली हार्ड रॉक्स, नीसिस्ट, ग्रेनाइट वाला एरिया। और यहाँ पे जो मेजर एरिया आप देखेंगे कैमूर, रोहतास, नवादा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, और ये ऑफशूट है छोटा नागपुर प्लेटू का, एंशियंट रॉक्स वाला सिस्टम जो पीछे हमने देखा, तो ये सदर्न नैरो प्लेटू है। यही आपके तीन मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट हैं, डिविजन्स हैं, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट का नॉलेज नहीं रहेगा, खाली मैप भी रहेगा, तो बैकग्राउंड नहीं दे पाओगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कहाँ जाओगे तो मिलेगा, ठीक है। तो पहला काम लोकेशनल एनालिसिस, बाउंड्री है उसके ऊपर ही आप इसको ओवरले करते हैं, ठीक है, तब आप फिजियोग्राफिक यूनिट को प्रॉपरली देख पाएंगे, कौन से नदी के किनारे कहाँ से डिविजन हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। एक लाइक बटन प्रेस करना ना भूलिए और प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हमारे चैनल का आउटरीच हो, लोगों को फ़ायदा हो और हम आने वाले वीडियोज़ में और ज़्यादा जानकारी के साथ लेके आएंगे और इस ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको जो कंटेंट इस वीडियो में दिखाया गया है अगर वो कंटेंट आपको पसंद आया तो वो एज अ ई बुक फॉर्म में, PDF डाउनलोडेबल के फॉर्म में हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वो वहां से खरीद सकते हैं। तो वीडियो के साथ साथ आप PDF वहां से खरीद के पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स, टेक केयर।